नमस्कार, स्वागत है जी खबरां दी इस बुलेटिन समय। मैं रमन कुमार। पहला एक नज़र चुनिया खबरां ते। विशाखापट्टनम विखे एक बहु राष्ट्रीय प्लांट चों स्टाइरीन गैस लीक होण की घटना विच मृतकां दी गिणती 11। बुद्ध पूर्णिमा मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल विसाख प्रार्थना सभा विच हिस्सा लैंदिआं विश्व नूं कोविड-19 महामारी तों बचाउण दी कीती प्रार्थना। वंदे भारत मिशन तहत विदेशां विच वसे भारतीआं नूं हवाई जहाज़ राहीं वतन लिआउण दी मुहिम अज तों शुरू। लॉकडाउन कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को समुद्री रस्ते राही वापस लियाने लिए भारतीय जल सेना का INS जलाशय जहाज माले पहुंचा। भारत में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 53,000 नेड़े पहुंची। कोरोना मरीजों की सेहतयाब होने की दर 29% के नेड़े। पंजाब विच कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 1600 तो पार। तरन तारण जिले में कोरोना के 13 नवे मामले सामने आने तो बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 157। पंजाब विच प्रवासी कामियां नूं श्रमिक एक्सप्रैस रेलगड्डी राही उन्होंने पितरी सूबे विच भेजन का सिलसिला जारी। 1320 प्रवासी कामियां नूं लैके श्रमिक एक्सप्रैस रेलगड्डी जलंधर रेलवे स्टेशन तो आजमगढ़ लई रवाना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक कैमिकल प्लांट वज चढ़ के गैस लीक होने की घटना में घट्टो घट 11 व्यक्तियों की मौत हो गई है। खबरों में कहा गया कि आज तड़के कोई 2:30 बजे RR वेंकटपुरम पिंड में बहुराष्ट्रीय LG पॉलीमर्स प्लांट चो स्टाइरीन गैस लीक हुई, जिस मगरों लोगों को अखों में जलन ते साह लैण में दिक्कत महसूस हुई ते सारे पासे अफरा तफरी मच गई। अपने बचा लई भजदे कई लोग जमीन ते डिगदे वेखे गए। यह गैस तेजी नाल फैली ते छेती ही इस दे प्रभाव हेठ 5 किलोमीटर दे दायरे अंदर पैंदे पिंड आ गए। दस्या जा रहा है कि फैक्टरी लॉकडाउन मगरों खुलण दी तैयारी विच सी। प्रशासन वल्लों वेंकटपुरम पिंड नूं खाली करवाया गया। गैस लीक होण कारण पैदा हुई स्थिति दा जायजा लैण लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय ते कौमी आफत प्रबंधन अथॉरिटी नाल गलबात कीती। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट विच कहा कि वह सारयां दी सलामती लई प्रार्थना करदे ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अते उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी इस घटना विच 11 व्यक्तियों की मौत ते अफसोस प्रगट कीता है। उधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने गैस लीक होने की घटना की जांच के हुक्म दिए हैं। सूबे के पुलिस मुखी डी गौतम सवांग ने दसिया कि हुण प्लांट विचों कोई गैस लीक नहीं हो रही तो स्थिति काबू हेठ है। उन्होंने दसिया कि गैस लीक होने कारण 246 लोगों में सेहत संबंधी समस्यावां आई हैं, जिन्हों का इलाज विशाखापट्टनम के किंग जॉर्ज हस्पताल में किया जा रहा है। उन्होंने यह भी दसिया कि घटना मगरों 800 तो वध व्यक्तियों को प्रभावित इलाके विचों कट के सुरक्षित थावां ते लिजाया गया है। सूबा पुलिस मुखी ने कहा कि गैस किवें लीक हुई है, इस प्लांट विच लग्या न्यूट्रलाइजर गैस लीक होने रोकण विच प्रभावशाली क्यों नहीं साबित होया, इह तां जांच दा विशा है। उन्होंने कहा कि स्टायरीन गैस नूं जहरीली गैस नहीं कहा जाता, तो यह उस वेले ही जानलेवा होंदी है जदों ज़्यादा मात्रा में साह राही मनुखी शरीर अंदर जाती है। स्टायरीन एक कैमिकल है जिसका इस्तेमाल सिंथेटिक रबड़ के उत्पादन में होता है। उन्होंने दसिया कि हालांकि गैस लीक होने से सवेरे ही काबू पा लिया गया सी, पर इसका असर कई घंटे बाद तक वेख्या गया है। दिन चढ़न ते ही सही मायने विच इस दे प्रभाव का पता लग्या। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने गैस लीक होने की घटना में मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया है। इस तो इलावा उन्होंने हस्पतालों में वेंटीलेटर से पाए मरीजों के इलाज लिए 10-10 लाख रुपये, उंज वख हस्पतालों में दाखिल मरीजों लिए 1-1 लाख रुपये, जबकि OPD तो दवाई लैण वाले गैस पीड़ितों को 25-25 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया इस वेले कोरोना वायरस महामारी नाल जूझ रही है। अजिहे समय में अगली कतार में खड़े कोरोना योद्धियों का दुनिया सत्कार कर रही है।
बुद्ध पूर्णिमा मौके करवाए गए एक वर्चुअल प्रोग्राम नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रार्थना सभा विच बुद्ध धर्म नाल जुड़े वड्डे वड्डे आगुआं ने मानवता की सेवा करन वालिआं नूं नमन किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस वार के हालात कुछ वखरे हैं, दुनिया एक मुश्किल दौर चो गुजर रही है, भगवान बुद्ध वालों विखाए गए राह ते चल के भारत अज दुनिया की मदद कर रहा है। उन्होंने आख्या कि भारत बिना किसी स्वार तो अज भी दुनिया के नाल खड़ा है। उन्होंने आख्या कि सानू अपनी अपने परिवार के नाल नाल दूजे की सुरक्षा लिए भी यतन करने चाहिए हैं। श्री मोदी ने कहा कि संकट के वेले हर किसी की मदद करना भारतीय सभ्याचार का एक अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने आख्या कि सानू लगातार सेवा भावना नाल काम करना चाहिए है, इस तो इलावा दूजे लिए दया का भाव भी होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमेशा मानवता की सेवा ते मदद का सुनेहा दिता है। आज समाज का ताना बाणा बदल चुके हैं पर भगवान बुद्ध का सुनेहा आज भी सार्थक है। साढ़े सारे के जीवन में उन्होंने सुनेह का एक विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कई व्यक्ति अजिहे ने जिहड़े देश के वख-वख हिस्सों विच अते दुनिया भर में अपने अपने ढंग नाल लोक सेवा कर रहे हैं। सड़क ते लोगों च कानून की पालना करवानी होवे जां बीमार का इलाज करना होवे, हर कोई अपने ढंग नाल सेवा कर रहा है। बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2400 घंटे काम कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार आज देश और दुनिया भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह नाल मनाया जा रहा है। विदेशों में फसे भारतीयों को वतन वापस लाने लिए सब तो वड्डियां मुहिमों चो एक वंदे भारत मिशन तहत सरकार आज तो 13 मई तक 64 हवाई उड़ाना संचालित कर रही है। इन्हां उड़ाना राही कोविड-19 ते लॉकडाउन कारण विदेशों में फसे तकरीबन 14,800 भारतीय नागरिकों को वापस लिया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दसिया कि वंदे भारत मिशन उन्होंने विदेशों में फसे भारतीय नागरिकों लिए शुरू की गई है जिन्होंने संबंधित देशों में पेंदे भारतीय दूतघरों नाल राबता कायम करके वतन वापसी की अपील की थी। 64 उड़ाना विचों संयुक्त अरब अमीरात तो 10, बांग्लादेश, मलेशिया, बरतानिया ते अमरीका तो 7-7, साउदी अरब, सिंगापुर, फिलीपाइनस ते कुवैत तो 5-5, कतर, बहरीन ते ओमान तो 2-2 उड़ाना शामिल ने। कुल 64 उड़ाना विचों 15 उड़ाना केरल आउणगियां, दिल्ली अते तमिलनाडु च 11-11, महाराष्ट्र अते तेलंगाना 7-7 उड़ाना आउणगियां, गुजरात विच 5 उड़ाना राही भारत नूं लिआंदा जावेगा। पहले हफ्ते दौरान सब तों वध उड़ाना राही खाड़ी मुल्कां तों भारतीय मूल दे लोकां नूं वापस लिआंदा जावेगा। इसे दौरान समुद्र कंढे वसे विदेशी मुल्कां विच लॉकडाउन कारण फसे भारतीयों नूं अपने मुल्क लियाउण लई भारतीय जल सेना का जहाज INS जलाशो अज मालदीव की राजधानी माले पहुंचा। भारतीय जल सेना वालों बाहरले मुल्कां तों समुद्री रस्ते राही भारत नूं लियाउण दे इस प्रोग्राम नूं समुद्र सेतु का नां दिता गया है। पहले पड़ा तहत कोई 2000 भारतीयों नूं 2 समुद्री जहाज राही भारत लियांदा जा रहा है। माले विच भारतीय हाई कमिशन इन्हां भारतीयों की वतन वापसी के अमल नूं अंतम चोहा देण विच रुझिया होया है। बल्कि 700 भारतीय नागरिकों नूं लैके पहला समुद्री जहाज कोची पहुंचेगा। समुद्री रस्ते राही भारतीयों नूं वतन लियाउण समय मैडिकल एमरजेंसी, फसे हुए सैलानियों, गर्भवती महिलावां ते लॉकडाउन कारण नौकरियां गवा बैठे प्रवासी कामियां नूं तरजीह दित्ती जा रही है। अगले हफ्ते INS मगर राही 1000 तो वध भारतीयों नूं ट्यूटीकोरिन वापस लियाउण दी संभावना है अते इस वास्ते तैयारियां शुरू हो गई हन। केंद्रीय सड़क आवाजाई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जनतक ट्रांसपोर्ट सेवावां छेती ही बहाल कर दित्तियां जाणगियां। नवी दिल्ली तो बस अते कार ऑपरेटर दे कौमी संगठन के मैंबरां नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही गलबात करदिआं उन्होंने दस्सिया कि कोरोना वायरस का फैलाव रोकने लई सरकार वालों समाजिक दूरी के नियमों संबंधी हिदायतों ते काम किया जा रहा है। सड़क आवाजाई हवाबाजी अते
एसएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने भरोसा दवाया कि जनतक ट्रांसपोर्ट छेती ही बहाल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार यात्रियों की आवाजाई और सनअत की समस्यावां दोहां तों ही पाली पांती जानू है और इस नूं पूरा समर्थन दिता जाएगा। भारत में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती में लगातार वाधा हो रहा है। ताज़ा अंकड़ों मुताबक देश में यह महामारी नाल प्रभावित लोगों की गिनती 53,000 के नेड़े पहुंच गई है। कोविड-19 कारण हुण तक 15,266 रोगी सेहतयाब हुए जबकि इस बीमारी नाल 1783 कोरोना मरीजों की मौत होने की खबर है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार पिछले 24 घंटे दौरान देश में 3,561 नवे कोरोना मामले सामने आए जबकि 99 लोगों की जान गई। कोरोना महामारी तो सेहतयाब होने वाले लोगों की गिनती में भी लगातार वाधा दर्ज किया गया है। इस वेले कोरोना तो ठीक होने की दर 28.83% है। सेहत मंत्रालय के बुलारे ने भी दसिया कि देश में कोरोना के एक्टिव केसों में वाधा 6.6% दर न हो रहा है और कोरोना की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती दुगुनी होने की दर 11 दिनों की है। ताज़ा विश्लेषण अनुसार ज़्यादातर नवे मामले महाराष्ट्र, दिल्ली ते गुजरात तो आ रहे हैं। भावें तमिलनाडु में भी कोरोना केसों की गिनती में वाधा हो रहा है पर इत्थे सेहतयाब होने वाले लोगों की गिनती भी काफ़ी ज़्यादा है। इधर पंजाब विच भी कोविड-19 की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती में वाधा लगातार जारी है। सूबे में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 1600 तो पार हो गई है। अमृतसर जिले में सब तो वध 230 व्यक्तियों में हुण तक कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। तरन तारण में आज कोरोना वायरस के 13 नवे मामले सामने आने तो बाद इतने कोरोना मरीजों की कुल संख्या 157 तक पहुँच गई है। जिले के डिप्टी कमिश्नर प्रदीप कुमार सबरवाल अनुसार ये सारे कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति श्री हजूर साहब तो परते श्रद्धालु ने। इन्होंने सारों एकांतवास में रखा गया है। इधर जलंधर में भी कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती में वाधा दर्ज किया गया है। जिले में हुण कोरोना मरीजों की संख्या 136 तक पहुँच गई है। लुधियाना जिले में भी कोरोना वायरस की लाग वाले 124 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। पटियाला 97, मोहाली जिले में 94, हुशियारपुर 99, गुरदासपुर 85, मुक्तसर साहब 66 जबकि मोगा जिले में हुण तक कोविड-19 की पुष्टि वाले 50 केस मिले हैं। मोहाली जिले में आज कोरोना पीड़ित 6 होर मरीजों के सेहतयाब होने मगरों उन्होंने छुट्टी दे दी गई। इस नाल हुण जिले में एक्टिव कोरोना केसों की गिनती 45 रह गई है। पंजाब में हुण तक 145 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए जबकि 27 व्यक्तियों की इस महामारी कारण मौत हो चुकी है। लॉकडाउन दौरान पंजाब में फसे प्रवासी कामियों उन्होंने पितरी सूबे में सड़क और रेल रस्ते राही भेजण ते देश विदेश में फसे पंजाबियों पंजाब में लियाउण दा सिलसिला जारी है। इस वेले केंद्र ते सूबा सरकारां दा ध्यान एक इस पासे वल केंद्रित है। जलंधर जिले में उत्तर प्रदेश के 1320 प्रवासियों को लेकर आज भी श्रमिक एक्सप्रैस रेलगड्डी जलंधर रेलवे स्टेशन तो आजमगढ़ लई रवाना हुई। सरकारी सूत्रों अनुसार पंजाब सरकार वालों हुण तक 6 श्रमिक एक्सप्रैस रेलगड्डिया के किराए की अपने हिस्से की 38 लाख रुपये की रकम का खर्चा किया गया है। रेल मंत्रालय वालों श्रमिक एक्सप्रैस रेलगड्डिया का 85% खर्चा चुकया जा रहा है। इस तो पहला भी जलंधर तो झारखंड के दालतुगंज, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बनारस, लखनऊ, गोरखपुर और अयोध्या लिए गड्डिया रवाना की जा चुकिया ने। पंजाब सरकार वालों प्रवासी कामियों लिए विशेष तौर पर बनाए गए पोर्टल से हुण तक कोई 10 लाख प्रवासी कामियों ने घर वापसी की इच्छा जताउंदिया रजिस्ट्रेशन करवाई है। इन्हां प्रवासियों में 85% उत्तर प्रदेश के बिहार नाल संबंधित हैं। जलंधर तो इलावा श्रमिक एक्सप्रैस रेलगड्डिया पटियाला, लुधियाणा ते मोहाली तो भी हवाना हुई ने। श्रमिक एक्सप्रैस रेलगड्डिया राही यात्रा करने वाले प्रवासियों की कोविड प्रोटोकॉल तहत बाकायदा डॉक्टरी जांच की जा रही है। जेडे प्रवासी सेहत पक्षों बिल्कुल ठीक ने उन्होंने ही सफर करने की इजाजत दिती गई है। श्रमिक एक्सप्रैस रेलगड्डी में सफर करने वाले सारे ही यात्रियों को स्क्रीनिंग ते टेस्ट मगरों सर्टिफिकेट भी जारी किए गए हैं। यात्रा दौरान रस्ते में खाण पीन का प्रबंध भी सरकार वालों ही किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तहत मौजूदा लॉकडाउन दौरान देश की गरीब जनता को सुक्के राशन समेत होर कई तरह की सहूलतां दित्तियां जा रही हैं। पंजाब वांग केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी उज्ज्वला स्कीम तहत महिलाओं को लॉकडाउन के संकट के मद्देनज़र मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिए गए हैं। गरीब लोगों ने सहूलत लई केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। मोदी ने हमारे को सिलेंडर चूल्हा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हमारी ये कोरोना वजह से हमारा बहुत हाइप कर रहे हैं मोदी जी, और हमें उनका शुक्र कर रहे हैं। पहले कनेक्शन फ्री मिला था हमारे को,
अब मोदी की तरफ से हमारे को सिलेंडर फ्री भर के दे रहे हैं और उनका धन्यवाद है जी जो इतना कर रहे हैं। मोदी सरकार की तरफ से सिलेंडर मिला है 3 महीना फ्री, उसके बाद धन्यवाद। जलंधर नेड़े सोफी पिंड विच बुद्ध विहार ट्रस्ट वालों पिंड वासियों के सहयोग नाल अज बुद्ध पूर्णिमा महाउत्सव पूरी धार्मिक श्रद्धा नाल मनाया गया। बुद्ध विहार ट्रस्ट के सकत्तर हरभजन सांपला ने दसिया कि इस मौके करवाए गए एक समागम दौरान महात्मा बुद्ध दी सिक्ख्यावां ते फलसफे अनुसार चलन का प्रण किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत बुद्ध वंदना तरीशरण ते पंचशील के पाठ नाल कीती गई। श्रद्धालुओं ने महात्मा बुद्ध की तस्वीर अगे अगरबत्तियां ते मोमबत्तियां जगाईयां ते फुल पेंट करके अपनी श्रद्धा प्रगटाई ते भगवान बुद्ध का आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके अपने संबोधन विच वक्त वक्त बुलारे ने महात्मा बुद्ध के जीवन फलसफे ते सिक्ख्यावां ते चानना पाया। उन्होंने आख्या कि महात्मा बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति ते महापरिनिर्वाण इसी दिन ही होया सी जिसनु बुद्ध पूर्णिमा के तौर पर विश्व भर में मनाया जाता है। पाकिस्तानी फौज वालों जम्मू कश्मीर में LOC ते आज फिर गोलीबंदी की उल्लंघना की गई। एजेंसी खबरों में कहा गया कि पाकिस्तान ने पुंछ जिले में शाहपुर करनी और कस्बा सैक्टर में सवेरे 11 बजे बिना पड़काहट के फायरिंग की। भारतीय फौज वालों पाकिस्तान की सरकत का मूंह तोड़ जवाब दिता गया। खबरें लिखे जाने तक दो ही पासियों वालों रुक रुक के फायरिंग जारी सी। तो बुलेटिन के अखीर चोणवी खबर से एक नज़र फिर तो जी। विशाखापट्टनम विखे एक बहुराष्ट्री प्लांट चों स्टायरीन गैस लीक होने की घटना में मृतकों की संख्या 11 हुई। बुद्ध पूर्णिमा मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल विसाख प्रार्थना सभा में हिस्सा लैंदिया विश्व को COVID-19 महामारी तो बचाने की प्रार्थना की। वंदे भारत मिशन तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को हवाई जहाज राही वतन लियाने की मुहिम से आज तो काम शुरू। लॉकडाउन कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को समुद्री रस्ते राही वापस लियाने भारतीय जल सेना का INS जलाशव जहाज माले पहुंचा। भारत में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 53,000 नेड़े पहुंची। कोरोना मरीजों की सेहतयाब होने की दर 29% के नेड़े। पंजाब में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 1600 तो पार। तरन तारण जिले में कोरोना के 13 नवे मामले सामने आने तो बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 157। पंजाब में प्रवासी कामियों श्रमिक एक्सप्रैस रेल गड्डी राही उन्होंने पितरी सूबे में भेजन का सिलसिला जारी। 1320 प्रवासी कामियों लैके श्रमिक एक्सप्रैस रेल गड्डी जलंधर रेलवे स्टेशन तो आसमगढ़ लई रवाना। सो जी सन इस बुलेटिन दी खबरां हुण इजाजत चाहांगे। नमस्कार।